उदयपुर जिले के नेला तालाब में सैकड़ों से भी अधिक मछलियों के मरने का मामला लीक सिटी न्यूज़ में खबर चलने के बाद पहुंचा फिशरीज डिपार्टमेंट। जी हां, आपको बता दें उदयपुर जिले में नेला तालाब में सैकड़ों से भी अधिक मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। क्षेत्र के ही रहने वाले जयंत पालीवाल और मनीष मेघवाल ने यह मामला लीक सिटी न्यूज़ को अवगत कराया था, जिसके बाद लीक सिटी न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद प्रशासन जागा और उन्होंने नेला तालाब फिशरीज डिपार्टमेंट की टीम को भेजा। मछलियां किस कारण मरी इसको लेकर के वहां के पानी के सैंपल लिए गए हैं और जल्द इसकी रिपोर्ट आएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है। इस मामले को लेकर के जिला कलेक्टर अरविंद बोसवाल ने दिखाई तत्परता, मौके पर भेजा फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लिए गए सैंपल। जयंत पालीवाल, नेला तालाब के पास ही रहता हूँ, ज्योति नगर में। कल प्रातः से यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी उत्तेजित नजर आई, जो सतह पे कभी दिखती नहीं है, अमूमन जोर पे हैं। जो मछलियाँ कभी सघन पे दिखती नहीं है सतह पे, छोटी 1 इंच से लेकर 3 से 4 फीट की मछलियाँ तड़प रही हैं ऊपर आके। बाद में मालूम पड़ा कि वो धीरे 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 साइड में कोने में जा रही हैं और मर रही हैं, जो कि नेला तालाब का पानी काफ़ी खराब भी हो चुका है और बदबू भी मार रहा है। तो प्रशासन से हमें ये अनुरोध है कि ये थोड़ा इस पानी की या तो सफाई करवाए, या कुछ मोटर वोटर लगा के, या थोड़ा ऑक्सीजन के लिए चूना डाले तो ये मरना बंद होगी। बाकी सब मछलियाँ साइडों में इकट्ठी हो रही मरी हुई, तो कृपया थोड़ा ध्यान दे प्रशासन, और हमारा भी सहयोग कुछ चाहिए तो हम तैयार है। मैं भी यहाँ सेजल वाटिका के पास में रहता हूँ, और ये थोड़ा सा हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इन मछलियों को बचाएं। इनमें और भी जीव जंतु होंगे, वो भी सारे मर जाएंगे, तो इनको जल्द से जल्द ये कार्रवाई करके और इनको बचाई जाए। अभी तक आपने प्रशासन के लिए क्या प्रयास किया? प्रशासन के लिए हमने 8181 पे कंप्लेंट डाली है, और ये मछलियाँ देखो सब मरी हुई है, साइड में आके तैर रही है, और ये सारी मछलियाँ मर गई है, और कृपया प्रशासन तुरंत ध्यान देवे, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। बीच में फाउंटेन की व्यवस्था की जाए। फिशरीज डिपार्टमेंट को लेकर कोई बात हुई है? फिशरीज डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी कि, लेकिन वो बोल रहे हैं कि प्रशासन के बिना वो काम संभव नहीं है, एक अकेले आदमी का ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट ने बोला कि पानी में या तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या फिर कोई केमिकल आ रहा है, या सीवरेज का पानी कहीं इसमें मिक्स हो रहा है, और पानी का कलर भी हरा हो गया है, जिससे अभी फिशरीज डिपार्टमेंट ने फिर यही बोला कि यार हमारे बिना प्रशासन के सहयोग से आप अकेले लेवल पर तो ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि चूना डालना है या ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें कुछ फाउंटेन चलाना है, वो एक अकेले बस का नहीं है, लेकिन हम हमारे प्रयास अपने स्तर पर तो कर ही रहे हैं। भाई हम क्षेत्रवासियों का तो यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई करें और इनको बचाने का प्रयास करें।